सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज एजे एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा। पहली वीडियो हाउ आई गॉट फिफ्थ रैंक इन मर्चेंट नेवी, ये ऊपर पॉपअप हो रही होगी, आप इस वीडियो को इसके बाद जरूर देखें। और जो दूसरी वीडियो है वो है जो सिलेबस की वीडियो है, और इस सिलेबस की वीडियो को भी जरूर देखें, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आप ठीक है, जो ये दोनों वीडियोज हैं और जो ये वीडियो है, अगर आप इन तीनों को वीडियो को कंबाइंड देख लोगे तो इसके बाद आपको एग्जाम जो एमयूसीटी का एग्जाम है वो उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक कंपटीशन एग्जाम का। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, अपने भैया लोगों को, अपने अपने दोस्तों को सुना होगा, वो बोलते हैं कि यार टाइम नहीं बचा तो मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, मे बी मैं और कर सकता था, या मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ टाइम। सो ये चीज आपने देखी होगी। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ अपनी टिप्स बताने वाला हूँ, अपना ओपिनियन बताने वाला हूँ, और कुछ चीजें आपको समझाऊंगा जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव टू ईच सेक्शन, मतलब आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, और थ्री मेजर टिप्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द एग्जाम बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको तीन टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो सके कि आप टाइम मैनेजमेंट के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मार्क स्कोर कर सके। सो टिप्स की बात करने से पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। ठीक है, एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, दो स्टूडेंट को सपोज कर रहे हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। जो हमारा स्टूडेंट ए है वो टाइम मैनेजमेंट उसकी स्किल्स अच्छी है, और जो स्टूडेंट बी है उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल उतनी अच्छी नहीं है, वो एकदम फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर रख रहे हैं, दोनों कैपेबल हैं 120 मार्क्स स्कोर करने के, मतलब दोनों अगर एग्जाम देंगे तो 120 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों एमयूसीटी का एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टूडेंट ए है वो क्या करता है, 120 मार्क्स ग्रैब कर लेता है। ठीक है, उसने ग्रैब कर लिया, लेकिन उसके बाद 10 मिनट बचे हुए, उसने इतना अच्छा टाइम मैनेज किया है कि उसके बाद 10 मिनट बचे हुए, उसने 120 मार्क्स पहले से स्कोर कर लिए हैं। अब वो 10 मिनट में क्या करेगा, जो उसके क्वेश्चन नहीं हुए वो स्कोर करने की कोशिश करेगा, उनपे टारगेट करने की कोशिश करेगा। और जैसे हमको पता है एक क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, मतलब चार क्वेश्चन में से एक सही हो सकता है आपका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये कहती है, तो इसका मतलब है उसे कुछ स्कोर ऐड करेगा, वो अपने जो 120 का स्कोर है उसमें कुछ ऐड करेगा। वो 10 मिनट में जितने भी अटेम्प्ट करे, चाहे वो 50 अटेम्प्ट करे, 40 अटेम्प्ट करे, या 20 अटेम्प्ट करे, ठीक है, उसमें उसके क्वेश्चन थोड़ा सा सही होने के चांसेस 1/4 है, मतलब वो ऐड करेगा अपने स्कोर में। लेट सपोज करो उसने 10 का स्कोर ऐड किया अपने उसमें, तो इसके जो स्कोर आ गया है 130 है, और आपको ये ध्यान में रखना है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसके नंबर नहीं कटेंगे, मतलब 130 मार्क्स ही स्कोर कर चुका है। ठीक है, जो हमारा दूसरा स्टूडेंट है, अब वो उसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल अच्छी नहीं है, अब वो एग्जाम देता है। अब एग्जाम में क्या होता है ना, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल उतना अच्छा नहीं है, अगर आपका एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो, आप प्रेशर फील करने लग जाते हो। ठीक है, अगर ये नर्वस हुआ, प्रेशर फील कर रहा है, तो उसका दिमाग उतना अच्छा नहीं चलेगा, मे बी जितना वो सोच के आया है उतना तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे। अब इस वजह से क्या होगा, जो उसके 120 मार्क स्कोर करने की कैपेबिलिटी थी वो 110 भी हो सकती है, 115 हो सकती है, या उससे भी कम हो सकती है, या वो 120 ही स्कोर करे। ठीक है, अब समझ रहे हो, लेट हम सपोज कर रहे हैं उसने अपने 5 या 10 नंबर स्कोर नहीं किए, मतलब 110 उसने टोटल स्कोर किया है, थोड़ा सा प्रेशर उसमें आ गया था, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है, तो मे बी इसको थोड़ा प्रॉब्लम हुई है और इसने उतने अच्छे से अपनी कैपेबिलिटी शो नहीं कर पाया, तो इसके जो फाइनल स्कोर बना 110 बना। ठीक है, अब सोचो, अब हम जो दोनों की बात करते हैं, दोनों की कैपेबिलिटी थी 120 मार्क्स स्कोर करने की, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को तो आप देख सकते हो गैप कितने का है, 20 नंबर का। और जैसा कि आपको पता है एमयूसीटी रैंक बेस्ड है, तो जो 130 है मार्क्स वाला है और जो 110 मार्क्स वाला है, तो उसके बीच भी बहुत रैंक स्लाइड करेंगी, जिसकी वजह से रैंक जो डिफरेंस होगा वो काफी हो सकता है। सो इसीलिए यहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहां पर एक नीचे कमेंट आया था, एक नहीं वैसे दो तीन कमेंट आए थे कि भैया एमयूसीटी का जो एग्जाम है उसका लेवल उतना अच्छा नहीं है, मींस उतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि हम जेई मेंस पे प्रिपेयर करते हैं, या हम जेई एडवांस में प्रिपेयर करते हैं, या हम किसी और एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पर मैं थोड़ा आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा सा यहां पर इस डाउट को कंफ्यूजन क्लियर हो सके। ठीक है, तो जो हमारा डिफिकल्टी लेवल है वो टाइम मैनेजमेंट पे कैसे
बेस्ड है, कैसे डिपेंड करता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, मे भी आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, या मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आईआईटी का एग्जाम होता है, लेट सपोज हम आईआईटी के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे क्वेश्चन होते हैं 90 क्वेश्चन और उसमें टाइम होता है 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे। तो हमारा एक क्वेश्चन को करने का टाइम है 2 मिनट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को करने का टाइम है 2 मिनट। अब हम बात करते हैं एनडीए की। एनडीए में होते हैं 120 क्वेश्चन मैथ्स के, और हमारा टाइम होता है 150 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेगा 1.5 मिनट। और अब हम बात करते हैं आईएमयूसीटी की, उसमें आपको मिल रहे हैं 200 क्वेश्चन 180 मिनट में, मतलब आपका एक क्वेश्चन करने का जो टाइम होगा वो 1 मिनट से कम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर डिफिकल्टी लेवल कम हो रही है तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए उतना टाइम कम भी तो हो रहा है। तो मींस एट द लास्ट यू नो, ये डिफिकल्टी पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी ओवरऑल स्किल पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे मैनेज करते हो हर चीज को। मे बी जो आपका डाउट है वो क्लियर हो गया हो। ये मैं सुबह हम बात करने वाले हैं 3 टिप्स के बारे में जो आपकी हेल्प करने वाली है टाइम को अच्छे से मैनेज करने में। मतलब जब आप एग्जाम दोगे तो आप एक कॉन्फिडेंटली तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली टिप के बारे में, जो कि है इजी क्वेश्चन, जो आप जल्दी से कर सकते हो, जो आप आसानी से कर सकते हो, उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अब आपको जो पैटर्न देखोगे तो पैटर्न में आपको पता चलेगा कि सारा जो सारे क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, मतलब आप कोई से भी क्वेश्चन करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको मिलना 1 ही मार्क्स है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो जब आप ना स्टार्ट करोगे अपना क्वेश्चन पेपर करना, तो अगर आप इसी सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो, अगर मे बी आपका इसी सेक्शन कोई सा भी हो सकता है, जनरल एप्टीट्यूड हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, और जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन स्कोर, मतलब आप जल्दी से जल्दी मार्क्स स्कोर करोगे, और उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, तो आपका जो आगे के लिए जो आपका विजन होगा एग्जाम के लिए, जो आगे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हो, उसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड तैयार होता रहेगा। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी आप ना हार्ड सेक्शन स्टार्ट करते हो नो पहले, तो उससे क्या होता है, जो आपका लास्ट में जो आपका इजी सेक्शन आपने करना भी होता है ना, तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है। मे बी कहीं 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 पे आप नर्वस हो जाते हो और कहीं कहीं में टाइम नहीं बचता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इजी सेक्शन से स्टार्ट करो। जो सेकंड टिप है वो है कि अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो, डजंट मैटर वो इजी है या डिफिकल्ट है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, एक ट्राई किया नहीं हो रहा, दूसरा ट्राई किया नहीं हो रहा, तो उस क्वेश्चन को सीधे स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन में चले जाओ। क्योंकि बहुतों बार क्या होता है, इसी चीज से ना हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, और कभी कभी या ज्यादातर ऐसा होता है कि हम कभी कभी ना क्वेश्चन को ना ईगो पे ले लेते हैं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, सपोज करो कि अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री घर से बहुत अच्छे से पढ़ी है, मैंने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मैं जाता हूँ एग्जाम देने और मेरा कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, मुझे अजीब लगेगा, मैं सोचूंगा यार मैंने तो पूरा पढ़ा हुआ है चैप्टर फिर भी मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं उसे ट्राई करूंगा 2-3 बार। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको सीधे स्किप करना है। ठीक है, हम कभी कभी ना ईगो पे ले लेते हैं, तो हम उसे ट्राई करते रहते हैं, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, इस चीज से आपको थोड़ा सा अलग रहना है। ठीक है, नहीं हो रहा है क्वेश्चन, सीधे स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन में जाओ, ये आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। सो जो थर्ड टिप है वो है आपको एग्जाम के लास्ट में 5 या 10 मिनट बचाने हैं। ठीक है, उसका मतलब जब आप एग्जाम कर रहोगे तो 5 से 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। अब इस 5 या 10 एक्स्ट्रा मिनट्स में आप करोगे क्या कि जो आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं या जो आपको आते नहीं है वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप तुक्के भी मार सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज अब ध्यान रखना, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं तब तो आप तुक्का मारो, ठीक है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन मतलब कम बचे, मान लो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपके पास 10 मिनट है, तो आप क्या कर सकते हो, तो ऑब्जर्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑब्जर्व का मतलब यहां पर आपके पास कुछ ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, तो उन चीजों का आप यूज करके तुक्के मारने की कोशिश करो। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के साथ आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे। एक आपको जैसा कि पता है एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लेकिन अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद तुक्का मारने की कोशिश करोगे तो उससे ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की रहेगी। सो हम बात कर लेते हैं किस सेक्शन को हमें कितना टाइम देना है, और ये मेरे हिसाब से है और आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एवरेज पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ और थोड़ा सा पैटर्न को देख के बताने वाला हूँ कि कितना टाइम मुझे किस सेक्शन को देना है। आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, अगर कोई आपका वीक सेक्शन है तो उसमें थोड़ा ज्यादा आप टाइम दे सकते हो, अगर स्ट्रांग सेक्शन है उससे काट सकते हो। ठीक है, टाइम तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। ठीक है, जो इंग्लिश का सेक्शन है उसका अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश के सेक्शन में आपको दिखेंगे पैसेज जो थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया वो टाइम नहीं लेते हैं, वो आधा मिनट 10 सेकंड वाले क्वेश्चन है, और जो हमारा हो गया एरर्स हो गया, जो हमारे आर्टिकल्स हो गए ये भी 10 सेकंड वाले क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं पूरे इंग्लिश सेक्शन को दे रहा हूँ 10 मिनट, 10 मिनट में मुझे इंग्लिश सेक्शन करना है।
फिर उसके बाद आते हैं जनरल एप्टीट्यूड में। तो जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो थोड़ा ट्रिकी है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो उसको मैं 30 मिनट दे रहा हूं इसमें, क्योंकि 30 मिनट में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा लंबा भी जा सकता है या बहुत से क्वेश्चन सरल भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो 30 मिनट में मुझे लगता है कि एक सेक्शन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चन है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है, आप 5 मिनट में ये सेक्शन पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो यहां पर मैं इसको 5 मिनट दे रहा हूं। और अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स की हम जब बात करते हैं तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो फॉर्मूले पे फॉर्मूला बेस्ड होंगे या लॉ पे बेस्ड होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं दे रहा हूं 40 मिनट काफी होंगे, 50 क्वेश्चन है और उसमें भी 40 मिनट इनफ होंगे मुझे लगता है। और जो हमारा बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो केमिस्ट्री में बहुत से क्वेश्चन होते हैं बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन मतलब उसमें पूछा जाएगा आपको सॉल्ट का कलर बताओ या ऐसे कुछ काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो काफी आसान होते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन लंबे भी होते हैं जैसे कि हमारा नोमेनक्लेचर से हो गया या जिसमें हमें नेमिंग करनी होगी, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो इसके लिए मैं आपको जो सेक्शन को टाइम दे रहा हूं वो है 25 मिनट। 25 मिनट में केमिस्ट्री का सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट सेक्शन आता है वो है मैथमेटिक्स, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और काफी कैलकुलेटिव भी है। तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, बहुत से क्वेश्चन आपको यहां पर ऐसे मिलेंगे जो बहुत से सरल होंगे, जिसके आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मिल जाएगा जो दो तीन स्टेप में हो जाता है। बहुत से क्वेश्चन एओडी के मिल जाएंगे जो भी बहुत आसानी से टाइम सेविंग क्वेश्चन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए हम दे रहे हैं 60 मिनट, और 60 मिनट बहुत होंगे इसके लिए, ठीक है। तो इससे और हम इस टाइमिंग में 10 मिनट अपने लिए एक्स्ट्रा बचाने वाले हैं। हम एक्स्ट्रा इसलिए बचा रहे हैं, उस 10 मिनट में हम क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन जो नहीं हुए हैं, जो हमने छोड़े हुए हैं, वो क्वेश्चन करेंगे या ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमें आते हैं लेकिन उस टाइम पे नहीं हुए थे, ठीक है। तो उस 10 मिनट में हम वो क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हम जो सारे सेक्शन को टाइम दे रहे हैं वो है 170 मिनट का, और 10 मिनट अपना ये लास्ट का जो सेक्शन हमें कंप्लीट करना है वो हो गया, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि हमें टाइमिंग को कैसे डिवाइड करना है, साथ में हमने टिप्स के बारे में जाना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और एक चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी स्पॉन्सरशिप की वीडियो बन रही है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है स्पॉन्सरशिप को लेके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हो, उसको हम ट्राई करेंगे कि स्पॉन्सरशिप वाली वीडियो में एड करने की। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।